बहराइच के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लड़के की आत्महत्या का मामला थाने पहुंचा। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो बेचारा सेना में भर्ती होना चाहता था और सिर्फ एक दाग की वजह से उसे अनफिट घोषित कर दिया गया। मामला बहराइच के कोतवाली देहात में मौजूद आदिलपुर गांव से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां रोहित रहता था। रोहित को आर्मी से बहुत प्यार था, वो नौकरी करना चाहता था। उसने करीब 5 बार परीक्षा दी लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब SSC GD का रिजल्ट आया तो लिस्ट में रोहित का नाम भी था। रोहित के साथ साथ उसका परिवार काफी खुश हुआ कि बेटा अब सरकारी नौकरी करेगा। आखिर बच्चे को उसकी मेहनत का फल मिला था। वो लगातार शारीरिक मेहनत तो करता ही था, साथ ही साथ पढ़ाई पर भी काफी जोर देता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जिस बच्चे के नौकरी करने का परिवार ख्वाब देख रहा है, वही बच्चा उनकी आंखों से एक दिन ऐसा ओझल होगा कि फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। जिस रोहित को नौकरी करनी थी, जिसे वर्दी पहननी थी, वो रोहित कफन में लिपटा जब घर आया तो पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि रोहित ने सारे टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन उसे मेडिकल टेस्ट के दौरान अनफिट घोषित कर दिया गया। इस बाबत रोहित के चाचा कुलदीप ने बताया कि सेना में जाने के लिए रोहित काफी उत्सुक था। पैर में काला दाग होने की वजह से रोहित को लखनऊ कैंट के सेवा अस्पताल में मेडिकल के लिए बुलाया गया, लेकिन सिर्फ उसी काले दाग की वजह से रोहित को बाहर निकाल दिया गया। रोहित काफी हताश होकर घर लौटा, बिल्कुल परेशान था। किसी से न ढंग से बातचीत की, ना ही किसी से अपना दर्द साझा किया। सुबह रोजाना की तरह उठा, मॉर्निंग वॉक पर गया और लौट कर घर में लाइसेंसी बंदूक से खुद को खत्म कर लिया। ये गया था बिजनौर में मेडिकल देने, वहाँ पे पैर में इसके धब्बा के वजह से इसको बाहर निकाल दिया। 3 से 4 बार ये परीक्षा दे चुका है, हर एक चीज़ में किसी न किसी चीज़ में इसे बाहर कर देते थे। फिर क्या हुआ है? उसी की वजह से वहाँ से आया और बाएं साइड में अपने आप को गोली मार लिया। ये किस चीज़ में परीक्षा दे रहा था? SSC GD में। अच्छा, ये क्या कह रहा था? देशभक्ति का? देशभक्ति, केवल देशभक्ति के लिए मर रहा था, केवल आर्मी में जाना चाहता था। बस इसका एक लक्ष्य था कि हमें आर्मी में होना, बस इसका यही एक लक्ष्य था, बाकी इसका कोई लक्ष्य नहीं था। अच्छा, इसके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं, दूध भैंसे हैं, एक दो पाले हैं, गाय जानवर है, बस दूध बाजार लेके आते हैं। गोली की आवाज सुनते ही मौके की ओर रोहित का परिवार दौड़ा और लहूलुहान रोहित को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा, लेकिन अफसोस डॉक्टर्स ने रोहित को देखते ही मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने भी शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद रोहित का अंतिम संस्कार किया गया। मजनुआ दाखिला आदिलपुर रंजीतपुर, जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का गाँव है, यहाँ के रहने वाले थे रोहित कुमार शर्मा। पिताजी का नाम उमेश चंद शर्मा है, 23 वर्ष की उम्र के उम्र का लड़का है। और ये जो CRPF सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे भर्ती के लिए गया था। वहाँ से मेडिकली अनफिट होने के बाद ये आया था रात में 9 बजे और तनावग्रस्त था। आज सुबह 6:30 बजे के करीब इसने तमंचे से गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी मर्चरी भी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे के बाद से रोहित के परिवार में मातम छाया है, उसका परिवार बिल्कुल बिखर गया है। रोहित के परिवार को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि जो बच्चा लिस्ट में नाम आने के बाद खुशी खुशी पूरे घर में टहल रहा था, लोगों से खुशियां बांट रहा था, अब उसकी हंसी कभी नजर नहीं आएगी। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ नूर आलम वारसी ने कवर की है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम निश और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।